गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक्चुअली गुड आफ्टरनून हो गई है। हम जा रहे हैं नॉर्थ वैंकूवर। कहाँ जाएंगे ये अभी नहीं पता। अभी नहीं पता, अभी हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। लंच मतलब ब्रंच का टाइम हो गया, इट्स लाइक 12:30 हो गया। संडे का दिन है, बारिश नहीं है, तो क्यों ना उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इधर उधर निकला जाए। स्टे ट्यून्ड, जब हम पहुँचेंगे आपको बताएंगे दिखाएंगे आज हम किधर जा रहे हैं। ननी, डू यू हैव एनी आइडिया हम किधर जा रहे हैं? दीदी आपने शायद से नॉर्थ वैंकूवर का जिक्र किया था, तो आई थिंक हम उस साइड जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं हम उसमें कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है एज यू गाइस नो, राइट? क्या पहली बार जा रहे हैं कि पहले गए हैं? मतलब मैं एक बार वहाँ गया हूँ, लेकिन आप जहाँ मुझे लेके जाओगे आई डोंट थिंक सो मैं वहाँ गया हूँ, तो देखते क्या होने वाला है। ओके, वी विल सी। पहला स्टॉप हमारा अब है मैकडॉनल्ड्स पे। जीजू खाने वाले हैं कोई पता नहीं क्या खाने वाले, क्या क्या खाने वाले अभी तक किसी को नहीं पता। एक्चुअली हम अंदर जाएंगे और मे बी आई एम गोना शो यू गाइस, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम एबल टू, बट या आई विल। फाइनली आई गॉट अ कॉफी फॉर यू। क्या लेके आए हो? ब्लैक कॉफी हमारे लिए। और खाने के लिए क्या लाए हो? खाने के लिए तो पूछो ही मत, हम क्या क्या ले आए हैं। क्या क्या ले आए हो? चिकन जो तुम खाती नहीं हो। हाउ इज द कॉफी? इट्स ऑलवेज गुड, दिस इज लाइफ सेवर हियर। नो वे, मेरा चिकन दो। जूनियर चिकन फॉर जूनियर पीपल। चलो फिर नाश्ता फिनिश करके हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और गाड़ी से व्यू देखिए, कितने ही अच्छे पहाड़ है बाहर। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम पहाड़ कभी मिस कर सकते हैं। अपने इंडिया वाले पहाड़ याद आ जाते हैं, लेकिन उनसे भी काफी ही ज्यादा बेहतर है ये पहाड़। बिल्कुल हम यहाँ पहुंचने वाले हैं। यहाँ के सुंदर घर, आगे का नजारा देख, हरियाली से भरा हुआ बिल्कुल। सी बियर वार्निंग, ब्लैक बियर साइटिंग। तो हम लोग पार्क के पास पहुंच चुके हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे पार्किंग स्पॉट्स हैं और हमने यहाँ पर चूज़ किया है ये स्पॉट, जिसमें वी कैन पार्क फॉर अराउंड 4 आवर्स। और इधर काफ़ी एक्सेसिबल स्पॉट्स भी है। यहाँ पर दीदी उतरती हुई गाड़ी से। मुझे लगता है हम लोग जब नए नए ये लोग आए थे कनाडा, व्हिच इज समवेयर इन लाइक 2017 में आए थे, 2017 के बाद आज आए हैं हम लोग। सो लेट्स सी अगर कुछ बदला है या नहीं, बट इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि अंदर के नज़ारे आर अमेजिंग, ब्यूटिफुल। तो जैसा कि दीदी ने बताया कि 6 साल पहले आए थे अप्रॉक्सीमेटली ये लोग, और मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ, तो देखते हैं कि अंदर क्या होएगा एंड वी विल शो यू। अब हम लोग पार्क की तरफ जा रहे हैं, हम चारों लोग। कौन से पार्क की तरफ? लिन कैनन नेशनल पार्क। लिन कैनन, एक्चुअली लिन कैनन पार्क, नॉट। अभी हम पेड़ों के बीच से जा रहे हैं। क्या ट्री रिमूवल होने वाला है कुछ टाइम के अंदर, तो वो उसका नोटिस दे रखा है, और हम इसको लेकर अभी पार्क के अंदर एंटर करने वाले। पार्किंग मशीन तो कवर्ड लग रही है, सो आई थिंक हमें ऐप से इसको पे करना पड़ेगा। सो मैं ये भी दिखा दूंगा कि क्या करने वाला है।
तो पे पार्किंग 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक रहती है, इसका मतलब फ्री है अभी। इधर कुछ चीज़ें बता रखा है कि आपको क्या, व्हाट थिंग्स यू शुड हैव इन ऑर्डर टू बी सेफ हियर। अब हम पार्क में एंटर कर रहे हैं। इधर कोई व्हीकल नहीं आ सकता है, सिर्फ वॉक कर सकते हैं यहाँ पर लोग, और काफ़ी अच्छा ठंडा एरिया है। एंड आई कैन हियर वाटर वाटरफॉल्स है इधर, तो वी कैन शो यू गाइस दैट टू। दीदी और जीजू यहाँ पर आते हुए, काफी ठंडा मौसम है ना आज। और यहाँ पर एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है, व्हिच यू गाइस कैन सी। अब हम जाने वाले हैं लिन सस्पेंशन ब्रिज। ओके, दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ प्री वर्जन ऑफ कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज, नॉट एग्जैक्टली बट समवॉट। या इफ यू वांट टू सेव मनी और अगर आप को फ्री में एडवेंचर करना है तो दिस इज द बेस्ट। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट अभी पार्किंग भी फ्री है, एंजॉय करिए फ्री पार्किंग। हाउ मच एंड तो यहाँ पर इधर ब्लैक बियर साइटिंग काफ़ी कॉमन रहती है, सो इधर एक इन्होंने एक वार्निंग्स दे रखी है, यू शुड बी केयरफुल कि और क्या आपको करना चाहिए, डू नॉट अप्रोच और इंटरफेयर द बियर्स। और एक छोटा सा मैप है कि कितनी गहराई है yes, ब्रिज की, लगता है ब्रिज पर काफी, और कितनी इंजरीज हुई है, कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, सो एवरीथिंग इज मेंशनड ऑन दिस मैप। गुड टू नो। आई फॉरगॉट द एंड ऑफ माय हाउस। दी वाटरफॉल जहां पर एक आई हैव नो आईडिया व्हाट द मैन इज देखा, सो बहुत ही सुंदर वाटरफॉल्स यहाँ पर, काफ़ी गहरा भी है जगह। और ये सामने ब्रिज है और हम लोग ब्रिज पर चलने वाले हैं। थोड़ा सा डर लगता है पर देखते ही क्या होने वाला है। इट्स डरना चाहिए, डरना चाहिए यहाँ पर जीजू बोलते हुए, थोड़ा सा डर बनता है। ब्रूस ब्राउन, ये इंडिया के लक्ष्मण झूले जैसा है, लक्ष्मण झूले और डर आता हुआ, थोड़ा सा स्लिपरी भी हो सकता है बारिश के कारण, सो एंड makes me a little bit scared। यहाँ पर एक छोटे बच्चे आ रहे हैं, पकड़ के चलना है, पकड़ के चलना, हाँ किस्मत की बात है। यहाँ पर जा रहे हैं ब्रिज के ऊपर, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, इट्स वेरी स्टीप पर हिल भी रहा है ये, विच मेक्स इट मोर स्केरी। टांगे कांप रही है लेकिन रुकना नहीं चाहिए हम लोग। मेरी टांगों में कब तबाहट है, बहुत डर लग रहा है यहाँ पर भाई। 100-200 ले ले प्लीज, उतार दे मेरे को, हाथ एक्चुअली कांप रहे हैं और हम बहुत ऊंचाई पे आ रखे हैं, लेकिन फिर भी आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट स्टॉपिंग। सब लोग तो दीदी जल्दी चलो यार, मेरी तबीयत खराब हो रही है, I can't stand it now। ओह लुक अंदर, इन सी दैट दीदी, मैं आपको डर लग रहा है दीदी, फोन देख लो यार जल्दी चल यार, I can't, please just go on that side।
कहा मेरे तो पैर नहीं कांपे, पर तुम लोग तो ऐसे कल्टी होके आ गए। भैया मैं डर लग रहा था भाई, तुम्हें ब्रिज पे खड़े होने में डर लग रहा था। मुझे तो फोबिया हाइट का। और सार्थक आप पैर कांप रहे थे मेरे तो, आई डोंट नो मैन, लाइक जस्ट रियली स्केरी। मैंने नीचे देखा, मैं कहा नहीं देखना फिर, और मैं फटाफट हम लोग निकल गए वहां से। पर आप ही थी वहां पर सबसे खतरनाक खतरों खिलाड़ी। यू आर ब्रेव। मतलब सीरियसली तुम लोग इस ब्रिज से डर गए? 400 लोग मर चुके हैं इस जगह पे। 400 में तुम तो नहीं हो गए? इतना हम करना नहीं चाहते। 402 तीन ही होते हैं। तो इस जगह का ये मैप है, और थोड़ा सा फोकस करने में दिक्कत हो रही थी। तो ये मैप है, अभी हम यहाँ पर खड़े हैं एज यू कैन सी, और अब हम जा रहे हैं पाइपलाइन ब्रिज की तरफ, विच इज़ दिस वे। तो हम यहाँ चलने वाले हैं इस डायरेक्शन में। काफ़ी अच्छा वुडन का वॉकिंग पाथवे है इधर एज यू कैन सी, और इधर एक्सट्रीम डेंजर की वार्निंग्स आ रखी है। थोड़ा थोड़ा गीला एरिया है, तो विच मेक्स इट अ लिटिल बिट मोर डेंजरस एक्चुअली। और काफ़ी ज़्यादा लोग भी हैं यहाँ पर। और अब हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, विच मेक्स इट मोर प्रिटियर। ऑलमोस्ट देयर, बिल्कुल पानी के पास पहुंच चुके हम लोग। दिस इज प्योर नेचर। और यहाँ पर हम लोग पानी के बिल्कुल पास आ चुके हैं, और लुक एट द वाटर। ओके, तो हम लोग लिन कैनन वाली हाइक करके वापस आ चुके हैं, और लेट्स सी सबसे उनका रिव्यू जानते हैं कि उनको करके कैसा लगा। सो सलल, ऑल ऑफ ऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग पहले भी आए हैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा चेंजेस मुझे लगे हैं, जो सस्पेंशन ब्रिज है उसके जो नीचे चलने वाले फुटस्टेप्स हैं वो काफ़ी हद तक चेंज है। काफ़ी हद तक एक नया एक्सपीरियंस था, एंड मोर ओवर अच्छा मौसम है, रेन हो रही है, अच्छा मौसम है, एंड या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। हाउ अबाउट यू मिस्टर ऑटावा? काफी अच्छा लगा, पहली बार आया मैं यहाँ पर, और आज के दिन बारिश भी हो रही थी तो उससे और अच्छा लगा एक्चुअली। काफी ठंडक भी थी, और पानी की आवाज सुन के और बारिश का सुन के, लाइक इट वाज ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट ये जो आपका ब्रिज था, मेरे को थोड़ा हाइट से थोड़ा सा डर लगता तो मैं क्विकली निकला, लेकिन काफी स्ट्रांग ब्रिज लगा मेरे को। और उसमें से एक वाटरफॉल दिख रही थी जो कि बहुत सुंदर थी, हमने वो शो भी किया वीडियो के अंदर, तो प्लीज जरूर देखिएगा वो भी। ओके, आई थिंक वी गोना कॉल इट अ डे। हम लोग खा पी के घूम फिर के वापस जा रहे हैं। घर जाते जाते भी हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा लग जाएगा, इतना कुछ है नहीं। अब वैसे ही बारिश शुरू हो गई है, सो देयर इज नो पॉइंट अभी और रिकॉर्ड करने का। चलिए फिर आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड एंजॉय रेस्ट ऑफ योर डे। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक आवर कंटेंट। थैंक यू सो मच।